जब एक गाने को लेकर डिंपल कपाड़िया और रेखा में हुई लड़ाई। अगर एक फिल्म में दो नायिकाएं हों तो उनका ध्यान अपने काम से ज्यादा इस बात पर रहता है कि दूसरी हीरोइन के रोल को कितना महत्व दिया जा रहा है। जैसे ही ये लगता है कि उनके मुकाबले दूसरी हीरोइन को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, मामला बिगड़ने लगता है। खासकर रेखा ऐसे अंग्रे दिखाने में काफी माहिर रही है। साल 1989 में जब फिल्म लड़ाई में निर्देशक दीपक शिवदासानी ने डिंपल कपाड़िया पर रेखा से एक गाना ज्यादा फिल्म लिया तो रेखा ने सचमुच लड़ाई ही छेड़ दी और इस तरह फिल्म का कबाड़ा हो गया। 1989 में दीपक शिवदासानी मिथुन, रेखा और डिंपल कपाड़िया को लेकर फिल्म लड़ाई बना रहे थे। इस फिल्म में मंदाकिनी भी थी। मंदाकिनी के ग्लैमरस इमेज के कारण निर्देशक उस पर ज्यादा गाने फिल्मा रहे थे। एक एक गाना डिंपल और रेखा के हिस्से में भी आया। आखिरी समय में दीपक ने डिंपल पर एक और गाना फिल्मा लिया और इसकी जानकारी रेखा को नहीं दी गई। जैसे ही ये खबर रेखा को पता चली, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। रेखा ने दीपक से ये डिमांड रखी कि ये गाना डिंपल के बजाय या तो उन पर फिल्माया जाए या फिर इस गाने में उन्हें भी शामिल किया जाए। ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इससे फिल्म का बजट काफी बढ़ जाता, इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। जिससे नाराज रेखा ने फिल्म की डबिंग करने से ही इनकार कर दिया। बाद में रेखा की डबिंग किसी और से करवाई गई।